लोकसभा हो विधानसभा हो, वो लोग वोट लेने के लिए हम लोग के पास हाथ जोड़ते हैं और फिर वोट होता है, फिर उन लोग का जीत हासिल होता है, फिर वो लोग हम लोग पैर पकड़ते हैं तो भी वो लोग हम लोग को देखते नहीं है, वो लोग का अंधा हो रहा है साहब, अंधा हो रहा है। अभी हटिया गए थे, रात हो गया था, अचानक पिसल गया तो पत्थर लग गया था, तो पत्थर लग गया ना तो कट गया है, यहाँ वीडियो कर सकते हैं, देखिए इसमें वो गिर गए थे। हाँ आ रहे थे ना तो पिसल गए तो पत्थर इसी में गया और कट गया। क्या नाम है दादा आपका? मोरो नाम है। मोरो, अच्छा आपको दिखाई नहीं पड़ता है? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई पड़ता। हाँ हाँ, अच्छा हम लाठी से हम लोग को पैदल में गिर गिर के जाता है हम लोग को। आपको किस तरह का समस्या सामना करना पड़ा है गांव में? हम लोग को तो यही रोड का। जब वोट देने जाते हैं आप? जाते हैं, को हाथ से पकड़ के ले जाते हैं। मैंने यहाँ के जो लोग है वो वोट दिलाने के लिए जाते हैं ताकि गांव में विकास हो। हाँ। लेकिन वो विकास नहीं हो पाता है। अच्छा आप सही है, तो एम्बुलेंस वगैरह ये गांव में आप पहुँचा पाती है? नहीं, हम लोग यहाँ से कटिया में टांग के लेके जाते हैं टप्पू घर। हाँ। और वहाँ से एम्बुलेंस मंगाते है। हाँ। कि यहाँ रोड का दिक्कत है इसीलिए गाड़ी नहीं, लेकिन बहुत दिक्कत है लेके जाने से, ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर है रास्ते पे, कहीं गिर जाता है। अच्छा, ले जाते गिर जाता है? टांग के लेके जाते उस समय लेके जाने वाला गिर जाता है। अगर कोई भी नेता अपने मन से जीतने का वो तामीज रखता है या औकत रखता है, इसलिए तो एक क्या बोलते हैं कि एक कहावत में हम सुने हैं, एक फूल से माला नहीं बनता। वैसे ये जितना नेता है वो अपने मन से वो नेता नहीं बनता, वो जनता वोट देने के बाद नेता बनता है और उसी गरीब जनता को ही वो लोग मतलब बाद में ठेल टूल के वो आगे निकल जाता है, हम लोग साला पीछे का पीछे रह जाते हैं। तो अभी हम किस नेता को खड़ा करके यकीन करेंगे कि हमारा गांव वालों का समस्या को समाधान कर पाएगा? नेता का वो चमचल होगा के बोलता है ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दिया तो इस बार हमको सोना चांदी भोरा भी देगा तो हम नहीं देंगे, वोटे नहीं देंगे, हम देंगे जब रोड बनेगा तब हम दे देंगे। तो हम लोग लेंगड़ी मनुष्य का ना आदमी के बहुत दिक्कत है, तो रोड नहीं है, जंगल है, चले बहुत हम लोग को दिक्कत है। अच्छा पिछला बार वोट देने गए थे आप? पिछला है तो वो बोलते हैं हाँ कर देंगे, ऐसे बोलते हैं तो वो बाद में पूछताछ नहीं करते, चल के जाता है जंगल जंगल। इसीलिए हम लोग इन साल सब मिल के ही, ये हम अकेले नहीं बोलते हैं लेकिन सब मिलके हम लोग वोट इन साल नहीं देने चाहते हैं। आखिर अगर वोट नहीं दीजिएगा तो फिर विकास कैसे होगा? वोट तो देना ही पड़ेगा ना। 60 साल होने जा रहा है मेरा। आपका? हम, मेरा 4 साल बाकी है, लेकिन अभी तक हमारा गांव में ये समस्या कुछ पैदा नहीं देखे। वोट देते हैं, देखिए हम लोग जो लिख करके देते हैं वो कागज लीक होता है, कहीं फेंक देता है ना क्या करता है, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। खाली वोट लेने के लिए मतलब आता है कि हम इसमें वोट के समय में दौड़ के आएगा, इसके बाद बोलेगा कि इस बार विकास कर देंगे लेकिन वोट देना। हम रोड नहीं बनाएंगे कि जाए बनाएंगे तब ना देखेगा, यही तो मैंने वो लोग बोल के चला जाता है सर, उसके बाद जब जीतने के बाद हम लोग का पैर दोबारा नहीं देख पाता है। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत न्यूज। इस वक्त जीटीवी भारत की टीम राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरहेट विधानसभा के बड़ा गुआ पहाड़ पर पहुंची है। एक डायलॉग है सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसी तरह एक गांव का भी जो यहां के जो स्थानीय प्रशासन है, उसके बाद नेता है या फिर कार्यकर्ता बोल सकते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इन लोगों को आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन खाली दिया जा रहा है कि गांव में सड़क बनेगा, लेकिन आज तक सड़क नहीं बना है। करीब झारखंड को दूसरे राज्य से अलग हुए 24 साल हो चला, लेकिन ये गाँव में आज तक सड़क नहीं बना है। अब सड़क का स्थिति देखिए गाँव में, सड़क देखिए यहाँ पे आदमी चलने का लायक नहीं है, तो यहाँ पे सोचिए आप एम्बुलेंस वगैरह या फिर कोई भी गाड़ी ये गांव में कैसे यहाँ पे पहुंचेगी। देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे रोड़े पत्थर है, और ये लोग ये भी बता रहे कि जब डिलीवरी होता है उस दौरान हम लोग को खटिया से होकर ले जाना पड़ता है, जो 4 आदमी हम लोग उसको खटिया में सुला देते हैं, बीच में 4 आदमी हम लोग टांग के ले आते हैं, और थोड़ा सा भी लेट होता है तो उनका सोच सकते हैं आप लोग क्या होता है, अनहोनी भी हो जाता है। तो कुछ इस तरह के लोग समस्या का सामना करना पड़ता है। तो काफी लोग आज हमारे साथ है ये गाँव के बात करने के लिए, तो आइए इन लोगों से बात करते हैं किस तरह का समस्या है, आखिर ये लोग कहाँ पे दिए हैं जो लिखी थे, कहाँ पे दिए, आखिर कहाँ फंस रहा है, आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है। और अभी चुनाव का भी समय है तो इन लोगों से मत जानने की कोशिश करेंगे, लोगों का मत क्या है इस बार। तो क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है सुनील पहाड़िया, ग्राम गुम्मापाड़ है, पंचायत सारी पटना प्रखंड जिला साहिबगंज का स्थानीय निवासी हूँ मैं। मैं मेरा मकसद यही है, हम लोगों का सुख और दुख है मतलब कि हमारे गुम्मापाड़ में मतलब झारखंड अलग होके 22 से 24 साल अभी हो चुका है, इसमें
आज तक जो एमपी एमएलए जो बन करके यहाँ से हम लोग के वोटर मांगते हुए मतलब मांग करके फिर वोटर से वो विजय बना करके फिर मतलब मंत्री भी बनते हैं कि संसद बनते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों का सड़क का सुविधा आज तक कुछ नहीं है काम किया है। इसके बाद हम लोगों का जल नल का भी मतलब बहुत समस्या है। इसके बाद है कि हम लोगों का जब पेशेंट जब होते हैं तो हम लोग कटिया में टंग करके वहाँ गुम्मा पड़ से हम लोग कबाडा लेकर करके मतलब कटिया में टंग के ले जाना पड़ता है। इसके बाद कभी इधर से अगर बड़े तरफ जाने का है तो हम लोग यहाँ गुमापड़ से फिर ईटा पोकर हम लोगों का कटिया में ले जाके कितना किलोमीटर पड़ता है इधर यहाँ से कवाडा 1.5 किलोमीटर दूर होगा। इसके बाद यहाँ से फिर गुमापड़ से फिर ईटा पोकर 1.5 किलोमीटर दूर होगा। हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग जंगल में फिर कटिया से हम लोग मतलब सड़क का सुविधा नहीं है, इसी कारण से हम लोग कटिया से हम लोग ले जाते हैं, तब वहाँ एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है। और हम लोग यहाँ से कि गुमापड़ से हम लोग चल करके वहाँ पहले तेगड़ा बूथ था वहाँ की 273 बूथ नंबर है और वहाँ लास्ट बॉर्डर है। हम लोग यहाँ से 5 किलोमीटर हम लोग पैदल जंगल में जाकर के हम लोग वोट देने वोट देते। देखिए ये गांव के जो लोग हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाते हैं चलकर वोट देने के लिए। 5 किलोमीटर सोचेगा बहुत ज्यादा दूर होता है, ये लोग पैदल जाते हैं क्योंकि रास्ता नहीं है, पैदल जाना पड़ता है वहाँ पे वोट डालने के लिए। तो मतलब वहाँ पे आप लोग जाते वोट डालने? हाँ वोट डालने हम लोग जाते हैं, लेकिन इतना मतलब खास करके मतलब यहाँ विकलांग और जो लेंगड़ा काना सब है कि ज्यादातर यहाँ गुमापड़ में बहुत अधिक है वहाँ का, यहाँ मतलब उसी सब का ही मतलब वोटर बहुत ज्यादा है। लेकिन मतलब हम लोगों का कि जब इलेक्शन जब आती है उस समय की मतलब तुम लोगों का ऑटो का व्यवस्था कर देंगे, मतलब कुछ गाड़ी का व्यवस्था कर देंगे जाने के लिए, लेकिन जब वोट दे वो कौन बोलते हैं ऑटो का व्यवस्था कर ऑटो मतलब वही प्रशासन जब यहाँ जब आती है उस समय मतलब उसी बात को रखता है वो सब। लेकिन मतलब जब वोट देने के लिए हम लोग जब होती है समय उसी समय कोई मतलब एम्बुलेंस गाड़ी का सुविधा कोई नहीं व्यवस्था कर देती है। हम लोग मतलब कि काना का हम लोग मतलब टान के लेके जाते हैं, इसके बाद लेंगड़ा को मतलब खटिया में सही मछली में हम लोग मतलब करके कंधा में लेके जाते हैं। अच्छा ये गांव में ऐसा सुने है कि अधिकतर मतलब अफाइज वगैरह लंगड़ा वगैरह गांव में पैदा होता है ना, तो वो लोग कैसे जाते वोट देने के लिए? वो सब वही बोल दिए मतलब किसी मतलब लंगड़ा को हम लोग कटिया में लेके जाते हैं नहीं तो मछली में, नहीं तो काना को हम लोग हाथ से हम लोग टांग के ले जाते हैं खींच करके मतलब वहाँ पे ले जाते हैं। हाँ वहाँ पर इसके बाद सबको मतलब वोट वहाँ दिलाते हैं। मतलब आप लोग वोट देने जाते हैं उन लोग को ले जाते हैं वोट दिलाने के लिए, लेकिन आप लोग का जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हो रहा। विकास आज तक कहाँ हुआ है, मतलब अभी झारखंड हला को मतलब 22 से 24 साल हो चुका है, मतलब इसमें हम लोगों का जब सरकार कि यहाँ हम लोगों का सुनवाई हम लोग बहुत आवेदन दिए हैं, उस आवेदन के आधार से हम लोगों का सुनवाई कुछ नहीं किया कि हम लोग उपायुक्त के पास भी गए हैं आवेदन देने। इसके बाद सांसद जो विजय सदा उसको भी दे दिए, मतलब इसके बाद अभी मुख्यमंत्री वर्तमान में है उसको भी हम लोग बोनाडी में दे दिए। इसके बाद फिर विजय सदा को फिर दोबारा फिर यहाँ ईटा पोकर आया था उसी में हम लोग दे दिए। मतलब आप लोग हर जगह जितना है दे दिए हैं? देते रहते आवेदन पर। इसके बाद वीडियो को भी दे दिए, लेकिन मतलब हम लोग जो लिख करके देते हैं वो कागज लीक होता है, कहीं फेंक देता है ना क्या करता है, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं। खाली वोट लेने के लिए मतलब आता है कि हम इसमें वोट के समय में दौड़ के आएगा, इसके बाद बोलेगा कि इस बार विकास कर देंगे, लेकिन वोट देना वोट ही करना। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि मतलब यहाँ हम लोग बहिष्कार रखेंगे कि हम लोग जब तक हम लोगों का रोड का सुविधा तो वोट नहीं। इस बार आप लोग वोट बहिष्कार करने वाले? अगर वोट अगर नहीं दीजिएगा फिर कैसे नेता चुनाएगा? आप लोग नेता नहीं चुनेगा फिर विकास कैसे होगा? उसी के कारण से मतलब ये हो रहा है कि मतलब कि नेता को अपने तरफ से नेता होता है, मतलब जनता से नेता होता है। अगर जनता को सुविधा नहीं देखेगा तो जनता कैसे उसको चुनेगा कि मतलब नेता बनाएगा? देखिए ये जो लोकसभा है ये राजमहल लोकसभा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इनका जो अभी सांसद है 10 साल का कार्यकाल विजय हंसदा जी करा है ये लोकसभा में, और 10 साल का कार्यकाल का उनका स्थिति देख सकते हैं। और ये जो बरहेट विधानसभा के अंतर्गत आता है, और इनका जो विधायक अभी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनका विधानसभा क्षेत्र में आता है। क्या नाम है? मैं मनोज मल्टो हूँ, ग्राम गुमापड़ का है, जिला साहिबगंज पंचायत शहरी का निवासी हूँ मैं। हम लोग तीन बार हम लोग डीसी ऑफिस गए थे साहिबगंज, वहाँ भी दे दिए हैं आवेदन और रिसीविंग कागज भी है। खाली बोलता है कि मतलब हाँ इस बार रोड होगा, लेकिन अभी तक आज तक नहीं रोड नहीं बना है। उसके बाद यहाँ पतना प्रखंड ब्लॉक में भी वीडियो साहब को दिए थे, कम से कम 3 वीडियो मैंने बदली होके चला गया है, अब चला जा रहा है। लेकिन एक सोदरक कुमार सिंह यहाँ आया था बड़ा गुमा, खुद हम लोग को दिखाए थे रोड का विषय में, तो वो देख के गया था कि बोला था कि हाँ तुम लोग के लिए रोड बना देंगे, लेकिन आज तक रोड नहीं बना, नो बना है।
इसी के कारण से हम लोग का बहुत तकलीफ में रहते हैं रोड के लिए। और जब हम लोग का जब बारिश हो जाता है तो जो 35 किलो करके जो पैकेट में जो मिलता है चावल तो उसको हम लोग कवाड़ डब से माता में ढोके ले जाना पड़ता है लाना, रोड नहीं रहने की वजह से, रोड नहीं लाने का वजह से इसीलिए हम लोग का बहुत तकलीफ है रोड में है। और उसके बाद एक दो तो अंधा आदमी भी है, उन लोगों का उसका नो बेटा है, उसका कोई घर में कोई भाई या उसका माए बाप कोई नहीं है, वो बेचारा अपने से ले जाके माता में लाता तो कहीं गिर जाता है तो उसका चोट लग जाता है, तो उसके बाद हम लोग का बहुत परेशान है। इसीलिए हम लोग का यही मकसद है गुमा पहाड़ में, और ग्राम गुमा पहाड़ लोगों का कहना है कि जब तक रोड नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, वोट नहीं दीजिएगा फिर विकास कैसे होगा? विकास हम लोग का यही है सर कि देखिए आदिवासी गांव में हर एक गांव में हेमंत सोरेन का तरफ से मतलब पीसीसी 1300 या 1100 फीट बनता है, लेकिन हम लोग काहे के लिए हम लोग वोट नहीं देंगे कि जब पहाड़िया का अगर हम लोग मान लिया वोट देते हैं फिर भी हम लोग का सड़क क्यों नहीं बन रहा है। हर एक जगह हम लोग देखते हैं कि पीसीसी कम से कम मुखिया पंचायत में भी यहाँ सारी पंचायत में भी मैंने मतलब तीन तीन बार जीता था मुखिया जी मुखिया मैडम, तो उसको हम जब बोलते हैं कि कम से कम हम लोग का 100 फीट करके दे देता तो तीन पार्ट में आराम से हम लोग का पीसीसी बन जाता है, लेकिन उसके उसके तरफ से भी मुखिया मैडम का तरफ से भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग का मैंने वोट नहीं देंगे। और भी ऑप्शन में है उन लोग को फिर नहीं आप मतलब उन लोग पर भरोसा नहीं जताइएगा? नहीं सर, मतलब उन लोग का ऐसे हो जाता है कि वोट का इलेक्शन जब आ जाता है ना तो वो लोग बोलता है कि अच्छा कम से कम हम लोग का समय दे दीजिए, उसके बाद कोई भी अगर यदि वो अगर यदि नहीं कर पाया तो हम लोग को जिता दिए इस बार, हम रोड नहीं बनाए कि जाही बनाएंगे तब ना देखेगा, ये हेटो का मैंने वो लोग बोल के चला जाता है सर। उसके बाद जब जीतने के बाद हम लोग का फिर दोबारा नहीं देख पाता है। देखिए जैसे सड़क का जो नामो निशान है वो गायब हो गया, उस तरह यहाँ के जो स्थानीय विधायक या फिर सांसद होते हैं वो लोग चुनाव जीतने के बाद वो लोग भी गायब हो जाते हैं, मतलब कभी सपना में भी दिखाई नहीं मिलता नहीं है ना। देखिए यहाँ के और भी जनता है हम लोगों के साथ, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते। मेरा नाम है चेता पाड़िया, गुम्बा पहाड़ के रहने वाले हैं। हाँ। संजत पारी सारी पंचायत पटना प्रखंड के। अच्छा दादा, आपके गांव में आपका गांव में रोड नहीं है तो आपको किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है? हमारा हम लोग का गांव का समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जैसे मान लिया 1947 से हमारा देश आजाद हुआ, अभी तक कम से कम 76-77 के करीब हो गया, फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ 22-23 साल हो गया, तो हम लोग 18 साल से वोट देते आ रहे हैं, तो हमारा गांव में अभी तक विकसित नहीं हुआ, तो अभी हम किसको नेता बना के हम उसको मतलब ऊपर चढ़ाएंगे, जबकि हमारा मनोकामना वो लोग पूरी नहीं करता, तो हम उसका समाधान हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आजकल 4-5 साल 10 साल 12 साल हो रहा है, सब नेता आके बोलता है कि हम वोट को हमको जीता दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, ना बिजली का व्यवस्था हो रहा है, ना पानी का व्यवस्था है, ना सड़क का व्यवस्था है, ना किसी किसी को घर नहीं है, जो कि आदमी मतलब क्या बोलते हैं भिखारी टाइप का रहता है, उसको थोड़ा रहने के लिए घर दिक्कत होता है, तो हम लोग हर जगह में आवेदन लिख के दे दिए, फिर भी हम लोगों का आवेदन का नामो निशान अभी तक लौट के वापस नहीं आया है, तो अभी हम लोग किस नेता को कड़ा करके यकीन मानेंगे कि वो हमारा काम को बाद में पूरा करके हमको सड़क बना के देगा। इसलिए अभी हम यही कहना चाहते हैं हम भी कि जब तक हमारा गांव में कुछ संविधान सुविधा नहीं होगा तब हम लोग इस वोट को नहीं देंगे, जब हमारा काम पहले हमारा मनोकामना पूरी होगा तब हम उसका वोट देने के लिए हम लोग राजी करेंगे। अभी बहुत सारा योजना निकाला गया सरकार के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे अबुआ आवास योजना, ये सब का लाभ आप लोग को मिल रहा है? हम लोगों का तो पहले वो प्रधानमंत्री आवास आज मिला था, लेकिन अभी अबुआ आवास नहीं मिल रहा है, ना किसी को विकलांग रहता है उसको ना साइकिल मिला है, ना वो तीन पहिया वाला, ना किसी अंधा आदमी को उसका भलाई के लिए कुछ उसके लिए अभी तक सुविधा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग अभी किसी नेता के ऊपर हम को भरोसा नहीं रखते हैं कि अभी हम उसको कड़ा करके फिर जिताएंगे, ना फिर हमारा वो लोग तो क्या बोलता है कि अभी हमको जितवा दो, एक बार हमको मौका दे दो, हम देखेंगे बाद में। हम लोग हर नेता को जिताए थे, एक बार दो बार करके वोट दिए, फिर भी हम लोग के अभी तक कोई नेता ना दोबारा मोड़ के आके हमारा हमसे ना संपर्क किया, ना हमको अभी तक हमारा गांव के समाधान को पूछा, इसीलिए हम लोग अभी तक किसी नेता को यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हमको फिर आके कौन आके जिताएगा, इसके बाद कौन हमको मदद करेगा, इसीलिए हम वही चाहते हैं कि अगर कोई भी नेता अपने मन से जीतने का वो तमीज रखता है या औकत रखता है, इसलिए तो एक क्या बोलते हैं कि एक कहावत में हम सुने हैं, एक फूल से माला नहीं बनता, वैसे ये जितना नेता है
वो अपने मन से वो नेता नहीं बनता, वो जनता वोट देने के बाद नेता बनता है और उसी गरीब जनता को ही वो लोग मतलब बाद में ठेल टूल के वो आगे निकल जाता है, हम लोग साला पीछे का पीछे रह जाते हैं। तो अभी हम किस नेता को कड़ा करके यकीन करेंगे कि हमारा गांव वालों का समस्या को समाधान कर पाएगा। इनका जो क्रोध है अभी, इनका क्रोध वाकई में बहुत ज्यादा जायज है, क्योंकि ये गांव में सही में सड़क का स्थिति इतना ही ज्यादा खराब है कि यहाँ पे आदमी तो छोड़िए जानवर भी यहाँ पे चलने में कतराएगा, इस तरह का कुछ स्थिति है। तो आइए इस सिलसिले में हमारे साथ और भी यहाँ के जनता है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? सर हाँ, मैं बड़ा गुमा पाड़ के जो से मालते हैं। मेरा यही कहना कि मतलब गाड़ी पर आदमी बैठ जाता है तो गाड़ी पर ऐसे तो नहीं बैठ जाता है, उसमें मतलब जूता मोजा चश्मा लेके बैठता है। तो गाड़ी में बैठते हुए क्यों चश्मा मोजा पहनते हैं? उसी तरह हम लोग पहाड़ में रहने वाले हम लोगों का तो जूता मोजा कुछ नहीं है, ऐसे पैर में हम लोग चलते हैं। कटा कहीं कटा गड़ता है, कहाँ सांप कटता है, कहाँ बिच्छू कटता है, तो उन लोग को देखना चाहिए ना। गाड़ी में बैठना बैठता है उन लोग को देखना चाहिए, हेमंत सोरेन जो भी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मतलब हम लोगों के लिए सबसे अच्छे मतलब सड़क बनना जरूरी है। कोई नेताजी हम लोग का सड़क बनेगा उसको हम लोग मान्यता रखेंगे। अच्छा, आपका जो सांसद है विजय हंसदा जी, अभी उनको कभी देखे हैं? उसको नहीं देखे सर, जब तक हम लोगों का मतलब रोड बना देगा उसको हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देने वाले हैं। चलिए हमारे साथ अभी एक दादाजी है, ब्लाइंड है, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मोरो नाम है। मोरो, अच्छा आपको दिखाई नहीं पड़ता है? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, हम लाठी से हम लोग को पैदल में गिर गिर के जाता है हम लोग को। आपको किस तरह का समस्या सामना करना पड़ा है गांव में? हम लोग को तो ही रोड का रोड नहीं है। अच्छा, वोट देने जाते हैं आप? जाते है, आम को हाथ से पकड़ के ले जाते हैं। मैंने यहाँ के जो लोग है वो वोट दिलाने के लिए ले जाते हैं ताकि गांव में विकास हो। लेकिन वो विकास नहीं हो पाता है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेगा, अब तो वही रोड है, हम लोग को थोड़ा दिक्कत है आने जाने को। गांव में रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए गांव में रोड। हाँ। अच्छा, आप कितने दिनों से ऐसे हैं? कितने दिनों से? बचपन से ही है? बचपन से। अच्छा देखिए, ये गांव में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ के जो अधिकतर मतलब यहाँ के जो ग्रामीण द्वारा बताया गया कि गांव में बहुत से लोग ऐसा भी है जो लंगड़ा है, लूला है, ब्लाइंड है, इस तरह के यहाँ पे गांव में अधिक समस्या है। अगर ये गांव में सड़क नहीं बनेगा तो कौन सा गांव में सड़क बनना चाहिए, आप ही द्वारा विचार कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए। और भी यहाँ के लोग हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मैं यहाँ सैया दीदी। आप सैया है? जी हाँ। अच्छा, आप सैया है, तो एम्बुलेंस वगैरह ये गाँव में आप पहुँचा पाती है? नहीं, हम लोग यहाँ से कटिया में टंग के लेके जाते हैं टप्पू घर, और वहाँ से एम्बुलेंस मंगाते हैं, कहे की यहाँ रोड का दिक्कत है इसीलिए गाड़ी नहीं। एम्बुलेंस को आप कॉल करते तो नहीं आती है? नहीं आती है, नहीं पहुंच पाती है रास्ता नहीं, इसीलिए। लेकिन बहुत दिक्कत है लेके जाने से, ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर है रास्ते पे, कहीं गिर जाता है। अच्छा, ले जाते गिर जाता है? टंग के लेके जाते है उस समय, लेके जाने वाला गिर जाता है रास्ते में, इसलिए रास्ता का बहुत दिक्कत है, इसलिए रास्ता का हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, अभी चुनाव आने वाला है तो आप लोगों को क्या मान है इधर, क्या मत है इधर का? अभी वोट होने वाला है? अभी वोट होने वाला है, कहे कि हम लोग वोट देंगे, लेकिन अब हम लोग का रास्ता का सामना करना पड़ता है, इसलिए रास्ता में बहुत ज्यादा समस्या है। देखिए, ये लोग के यहाँ पे थोड़ा सा भाषा के भी समस्या होता है, उतना अधिक हिंदी नहीं बोल पाती है। गांव की सैया थी, क्या नाम है? काली मलता। अच्छा दीदी, जब आप लोग का डिलीवरी होना होता है, डिलीवरी समझते हैं ना जी, डिलीवरी यहाँ पे गांव में किसी भी महिला को होना होता है, तो आप लोग को उस दौरान किस तरह लेके जाते हैं? गाँव में रोड नहीं है तो खटिया से लेके जा रहा है। खटिया से लेकर जाते हैं? अच्छा, खटिया से लेकर जाते हैं तो कहीं जैसे रोड खराब है तो गिर भी जाता है? लेके जाता है, उन लोग गिर जाता है तो मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत है। क्या मांग है? क्या मांगे हम लोग को? रोड तो मांग रहे हैं। रोड मांग रहे हैं जी। अच्छा, कितना दूर लेके जाते हैं? यहाँ से इटापोखर। इटापोखर जी, 1.5 किलोमीटर दूर है जी। तो अभी जैसे वोट हो रहा है, अभी हम लोग को सड़क नहीं हो रहा है, अब तक हम लोग वोट नहीं देंगे, पहले सड़क बनना चाहिए जी। अच्छा, अभी जैसे वोट नहीं दीजिएगा फिर विकास कैसे होगा? वोट तो देना ही पड़ेगा ना जी। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से बोल नहीं पाती है। हमारे साथ अभी एक दीदी है जो की
तो वो विकलांग है, उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करता है। आखिर उनको ये गांव में किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है? क्या नाम है आपका? धर्मी पानी गुमा। अच्छा, ये गांव में आपको किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है? तो हम लोग लिंगड़ी मनुष्य का ना आदमी के बहुत दिक्कत है, तो रोड नहीं है, जंगल है, बहुत हम लोग को दिक्कत है, तो इसलिए सड़क नहीं है, मदद नहीं करता है, तो यही बन तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, पिछला बार वोट देने गए थे आप? पिछला है तो हाँ तो गए थे। रोड नहीं बना अभी तक? तो रोड टीम नहीं बना तो वोट नहीं देंगे। मतलब रोड नहीं बनाई पर वोट देने का मन नहीं है? कन्ना सब लिंगड़ी सब मुद्दा देते। अच्छा, गांव में आपको किस तरह का दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है, मतलब आपको किस तरह का दिक्कत? पत्तल है, कट्टा है। व्हील चेयर आप लोग को मिलता है, वो मिला है? नहीं मिला है ना, कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला है। चावल मिलता है? चावल आपको? तो चावल तो थोड़ा मिलता है। अच्छा, आपका कौन है घर में, बेटा बेटी कोई है? नहीं है। आप अकेले रहते हैं? अकेला है, माई नहीं है, बाप नहीं है, इसलिए रहते हैं गांव के। चावल कौन ला देता है आपको? चावल मिलता है तो दूसरा आदमी को ना मिलता है? दूसरा आदमी ला देता? दूसरा आदमी को मिलता है। काफी दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है लिंगड़ी मानस के। देखिए, गांव की ये विकलांग महिला थी, इन्होंने बताया कि अगर ये गांव में अगर इसको व्हील चेयर भी मिल जाएगा वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि सड़क ही नहीं है यहाँ, तो बाइक चलने का लायक नहीं था, व्हील चेयर कैसे चलेगा यहाँ का सड़क जो है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग का ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग वोट देते हैं, हम लोग बूथ तक चल कर जाते हैं वोट देने के लिए, लेकिन हमारे गाँव तक विकास चल के नहीं आता है, खुद इस तरह का स्थिति है। इन्होंने बताया कि नेता लोग जो जिसको हम लोग वोट दे के जिताते हैं उनका तकदीर तस्वीर बदल जाता है, लेकिन हम लोग का तकदीर और तस्वीर जीव का तय हो रहता है। तो और भी यहाँ पे महिला, उन लोगों से बात करते हैं फिलहाल अभी। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम एलिजाबेथ महतो है, मैं जलसिया का काम करती हूँ। आप गांव में जलसिया? जलसिया का काम करते तो गांव में कहाँ पानी वगैरह कहाँ उस तरह सुविधा? बोलते हैं ब्लॉक में जाते हैं समय में भी बोलते हैं, हम लोगों के सड़क नहीं है, सड़क दिक्कत है आने जाने में, ऐसे बोलते हैं तो हाँ बना देंगे ऐसे बोल करके हम लोगों को पूछताछ नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोग का जैसे डिलीवरी किसी का होना होता है तो किस तरह से लेके जाते हैं आप लोग? रंगा गाड़ी को फोन करते हैं। यहाँ तो गाड़ी पहुँचती है? नहीं पहुँचती है, नीचे उतर जाते हैं तब वहाँ पर गाड़ी आ करके। तो यहाँ से किस तरह पेशेंट को लेके आते हैं? कटिया से, नहीं तो लोग एक दूसरे से दबा कर ले जाते हैं। बहुत दिक्कत होता है जी। आप लोग क्या मांगे इस बार? हम लोग का यही मांगे कि हम लोगों को सड़क बनना चाहिए ताकि और दूसरी बार दिक्कत ना हो इसलिए। अच्छा, जैसे आप जलसैया है तो अभी प्रधानमंत्री द्वारा जैसे जल नल का योजना निकाला गया तो वो गांव में क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? आपने आपका जो अफसर है ऊपर में बताया उनको? हाँ बताए हैं, जल जीवन में बताए हैं कि हम लोगों को सड़क पानी इसमें दिक्कत है ऐसे बोलते हैं। क्या बोलता है? वो बोलते हैं वो कर देंगे ऐसे बोलते हैं, तो वो बाद में पूछताछ नहीं करते हैं, आश्वासन दिया जाता है। चलिए, हमारे साथ अभी प्रधान जी जुड़ चुके हैं और आखिर प्रधान जी से पूछते कि आखिर ये गांव अभी तक सड़क क्यों नहीं बना है, क्योंकि प्रधान का पावर होता है वो अपने आप में योजना बना सकता है, ये सब प्रधान को थोड़ा अगर जानकारी रहेगा ना तो थोड़ा ज्यादा विकास होता है। चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुक्कू मलतो। प्रधान है गाँव का? जी जी। क्यों नहीं अभी तक सड़क बना गाँव में? देखिए सर, जब भी हम लोग जो है बहुत साल से हम यहाँ तक गए हैं, डीसी ऑफिस भी गए हैं, वहाँ भी दिए हैं कागज पत्र दिए हैं, वहाँ भी गए तो हाँ होगा ऐसे बोल करके अभी तक कुछ नहीं हुआ, वहाँ से भी देंगे देंगे करके अभी तक नहीं बना। और इसी कारण हम लोग का जो लिंगड़ा आदमी है, लूला आदमी भी है, हम लोग अनपढ़ भी है बहुत लोग, और जो चावल जो है बहुत दूर से जो पानी बरस में तो नहीं आ पाती है, लेकिन तब पर भी जो कचक कुछ भी खराब होगा तो हम लोग वहाँ सारी से हम लोग डो करके लाते हैं, वो भी दिक्कत है। और हम लोग जो है वोट देने के ये कारण है कि हम लोग जो वोट देने के तैयार है, लेकिन हम लोग का सड़क क्यों नहीं बन रहा है, इसीलिए इन साल हम लोग को वोट नहीं दे पाएंगे, ये इसी कारण से जो सड़क नहीं बन रहा है। फिर वोट देने के लिए तिगरा हम लोग पैदल 5 किलोमीटर हम लोग चल के जाते हैं जंगल, इसीलिए हम लोग इन साल सब मिल के ही
ये हम अकेले नहीं बोलते हैं, लेकिन सब मिलके हम लोग वोट इंसान नहीं देने चाहते हैं, इतना तक हम बोल सकते हैं। आखिर अगर वोट नहीं दीजिएगा तो फिर विकास कैसे होगा? वोट तो देना ही पड़ेगा ना, वोट अपना अधिकार है। नहीं नहीं, रोड नहीं बना ना, इसीलिए हम लोग को दिक्कत, इसीलिए नहीं देने चाह रहे हैं। और किस तरह का समस्या गांव में? समस्या है खाली रोड का या फिर पानी उनी की समस्या है? पानी उनी का भी है, थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि आप प्रधान जी हैं तो जी। क्या बोलते हैं, गांव में अभी तक नल जल को योजना नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा सर। क्यों नहीं पहुंचा, कहां पे फॉल्ट हो रहा है नहीं पता आपको? नहीं पता अभी तक। और जो ये सड़क का जो आप लोग इसका कहां कहां लिखित दिए हैं? दिए डीसी तक पहुंचे हैं, ब्लॉक में दिए हैं, जो भी कहां कैंप जो हो रहा है वहां भी हम लोग लिख पढ़ करके हम लोग देते हैं, तब वो भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इंशाल्लाह हम लोग वोट नहीं देने चाह रहे हैं, इतना तक बोल पाते। देखिए यहाँ पे ये गांव में करीब 350 लोग रहते हैं, 350 की जनसंख्या है, और सभी लोग यही जो आपको सड़क अभी दिख रहा है, यही सड़क से मतलब डेली इनका आना जाना रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता होगा। अच्छा क्या नाम है? मेरा योहना पाड़िया है, मैं गुमापार से हूँ, पंचायत शहरी है, पटना ब्लॉक का है। तो हम लोग को पूरा रोड के चलते अभी हमको भी थोड़ा विकलांग की तरह चलना पड़ रहा है, अभी हटिया गए थे, रात हो गया था, अचानक पिसल गया तो पत्थर लग गया था, तो पत्थर लग गया ना तो कट गया, यहाँ वीडियो कर सकते हैं, देखिए इसमें गिर गए थे, हाँ आ रहे थे ना तो पिसल गया तो पत्थर इसी में गया और कट दिया। ये हम लोग का यही समस्या, अभी कम से कम हम दे रहे तो मेरा 5 साल हो रहा है बोर्ड दे रहे, हमसे तो बहुत बड़ा बड़ा है, वो लोग तो कितना साल से दे रहे हमको तो मालूम नहीं है, अब हम 5 साल देते आ रहे हैं, उसके बीच में नेता लोग आता है, कोई बोलता है पानी की नल का, कोई बोलता है घर का, कोई बोलता है रोड का, वो लोग कुछ करने करके नहीं गया, वो सिर्फ आता है हम लोग के मुंह में बोल देता है, हम लोग वो लोग के ऊपर हम लोग वोट दे देते हैं और वो लोग अपना वो लोग चल के अपना काम लोग घर में सो जाते हैं, फिर दोबारा हम लोग नहीं देखने आता है। अभी देख के हम लोग को बहुत परेशान में, किसी का घर ऐसे पड़ा हुआ है, अधूरा करके रख दिया है, और पानी हम लोग मतलब एक ही तो कुआं है, वो भी लड़की लोग पूरा वहाँ पर पानी खत्म हो जाता है 2 बजे कभी 3 बजे करके लोग जाती है। अच्छा 3 बजे रात को उठना पड़ता पानी के लिए? 3 बजे रात को खत्म हो जाता है, वो लोग चल जाते हैं। कितना दूर है कुआं में, कुआं कितना दूर है? कुआं तो ज्यादा उतना दूर नहीं है, लेकिन पानी खत्म होता है 1 किलोमीटर का है, कुआं तो दूर नहीं है। अच्छा, एक चापाकल मेरे को गांव में दिख रहा, पानी नहीं निकलता वहाँ पे? पानी एगो में निकलता है, वो भी थोड़ा खराब है, और ये लाइन लगाना पड़ता है ना, गांव भी थोड़ा बड़ा है ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है पानी का, पानी का भी हम लोग को पूरा कष्ट हो रहा है। सबसे ज्यादा हम लोग का कष्ट यही है हम लोग का रोड का, मतलब बरसात के दिन का भी चावल आता है तो हम लोग को एक घंटा पहले उतर के जाए रहना पड़ता है नीचे चावल के लिए, फिर वहाँ गाड़ी लेट से आती है, कभी हम लोग कोई खाना खा के उतरता है, कोई बिना खाना खा के उतरता है, उसमें पूरा दिक्कत है, और वहाँ से हम लोग को माता में ढोके लेना पड़ता है पैदल बरसात के दिन में। अभी वोट है 1 तारीख को, तो इस बार आप लोग को क्या मत है? हमको क्या मत रहेगा, हम 5 साल हो रहा हम देते हैं, सभी नेता का चमचा लोग आके बोलता है ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दिया, तो इस बार हमको सोना चांदी भोरा भी देगा तो हम नहीं देंगे, वोटे नहीं देंगे, हम देंगे जब रोड बनेगा तब हम दे देंगे वोट। जब वोट तो अपना मूलभूत अधिकार होता है ना, वो तो देना पड़ेगा ना आपको? देना पड़ता है, हम दे बहुत बार दिए हैं, तो अभी हमको कुछ समझ मेरा कुछ काम में नहीं किया, तो हम कैसे अब इस बार किसको विश्वास करके हम वोट दे सकते हैं? अभी हमको किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, वो ये रोड बनेगा तो हम वोट आराम से दे सकते हैं, उसके बाद वोट दे देंगे। रोड में हम लोग का पूरा कष्ट है, हम लोग पूरा रोड का पूरा कष्ट है, इसी देखिए हमको अभी विकलांग की तरह चलना पड़ रहा है। कहाँ से पानी लाते हैं आप? कुआं से। आप भी जाते हैं? हाँ जाते हैं। आप भी जाते पानी लाने? हाँ। कितना दूर है? दूर है क्या, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं? हाँ, 3 बजे से। 3 बजे 2:30 बजे दिन में ना, भोर में पानी लाने जाते हैं। गांव में पानी नहीं है, चापाकल वगैरह नहीं है? चापाकल है तो पानी नहीं है, पानी नहीं निकलता है? नहीं। ठीक है, मेरा नाम वहाँ पर रहने वाला है चांदूपड़िया, तो यही समस्या है मेरा। मेरा काम में 60 साल होने जा रहा है मेरा। आपका? हम मेरा 4 साल बाकी है, लेकिन अभी तक हमारा काम में
ये संख्या कुछ पैदा नहीं देखे, वोट देते हैं, देखिए देखते मैंने देते थे बुरा हो गए, लेकिन हमारा गांव पे रोड नहीं है और पानी का समस्या, पानी भी दिक्कत है बहुत पीने के लिए। और हमारा महिला लोग 4 बजे भोर को चला जाता है, 2 बजे भोर को चला जाता है पानी लेने के लिए, वहीं भी लाइन पे लाइन खड़ा होता है, इसलिए टंकी भी है, टंकी भी 6 महीना से पड़ा हुआ है, अगले साल बन गया है, लेकिन बनने का कारण क्या दिन है पता नहीं, एक साल हो गया, लेकिन टंकी भी खराब हो गया 6 महीने। हम लोग कागज देते हैं, लिख के देते हैं, फिर भी साहब सुनाई उसको सुनाई नहीं दे रहा है अभी तक, तो बहुत तकलीफ में रहते हैं। फिर भी हम लोगों के लिए रोड इतना दिक्कत है, 5 किलो दूर हम लोग जाने पड़ता है, टिगड़ा जंगल पत्थर के जगह पे, तो कोई गिरता है, कोई जंगल में घुस जाता है, रास्ते अच्छा नहीं है, तो फिर भी हम लोग बिना रास्ता पानी करते हम लोग जाते हैं, इतना कोशिश करते हैं वोट देने के लिए, लेकिन हमारा नेता जी है वो कुछ ना कुछ काम नहीं कर पाया है अभी तक, इसलिए बहुत दिक्कत है। रोड बनना ही बनना चाहिए, और नहीं तो इंसान हम लोग सोच के रखे हैं कि इंसान वोट नहीं देंगे। हम लोग को पेंशन मिलता है? पेंशन नहीं मिलता है भैया। किसी को मिलता है गाँव में पेंशन? जो पेंशन होता है जेन का तो अभी नहीं मिला है, किसी को भी नहीं है पेंशन। हाँ किसी को, अंधा को मिला है, विकलांग वाला को मिल रहा है, लेकिन अच्छा आदमी कोई नहीं, किसी को मिला नहीं है। ये जो अभी मौजूदा जो इंडिया गठबंधन का जो सरकार है सत्ता में जेएम का, वो लोग तो बोल रहे 50 साल का जो उपका है उनको हम लोग पेंशन देने का काम कर रहे हैं। कोई काम किया अभी तो काम नहीं किया है सर। आप लोग को उसका लाभ मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। कागज भी हम दे चुके हैं, मिलने करो तलजारी जाके दे दिए, एक बार सहेली में दे दिए हैं, तो कहीं भी कहीं मैंने कागज जो लिख के दिए, कागज क्या कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं है। वीडियो साहब के हाथ में दिए हैं, अपना खुद से दिए सर इसको, वीडियो साहब को हाँ, अपना पटना ब्लॉक का, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जो भी हो रहा है इलेक्शन में, लोकसभा हो विधानसभा हो, उन लोग वोट लेने के लिए हम लोग के पास हाथ जोड़ते हैं, और फिर वोट होता है, फिर उन लोग का जीत हासिल होता है, फिर वो लोग हम लोग पैर पकड़ते हैं तो भी वो लोग हम लोग को देखते नहीं है, उन लोग का अंधा हो रहा है साहब, अंधा हो रहा है। जब तक गुआपाड़ के लिए कुछ विकास नहीं करिएगा तो हम लोग का भी भरोसा टूट रहा है, तो हम लोग कैसे अभी चुनेंगे कि इस नेता को हम लोग वोट देंगे और फिर उसको दे देंगे, फिर हम लोग का भरोसा भी टूट गया उस पर कि हम लोग का गाँव को नहीं देख रहा, घर में बैठ के सो रहा है, हम लोग कैसे भरोसा करेंगे उस पर। जब तक गुआपाड़ को नहीं देख रहा है तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। जैसे कि हम लोग का गांव में वो लोग नहीं देख रहा, नहीं यहाँ ताला लगा हुआ रहता है, उस तरह हम लोग जिस तरह हम लोग का गांव में ताला लगा रहता है, उस तरह हम लोग ब्लॉक में जिला में हम लोग भी ताला लगा लेंगे, सिर्फ यही बात है मेरा। रोड बनेगा तो वोट मिलेगा, हम लोग का तो भरोसा ही टूट रहा है, जिस पर भरोसा करते हैं उस सो रहा है, देखता नहीं है। अच्छा अभी जैसे कार्यकर्ता लोग आए होंगे, अभी चुनाव है 1 तारीख को लोकसभा चुनाव, यहाँ पे कार्यकर्ता लोग तो आए होंगे अभी, कोई भी अभी तक तो नहीं आए? अभी तक नहीं आए, नहीं आए। आने वाले उन लोगों से क्या बोलिएगा? उन लोगों से क्या बोलना है, उन लोग तो बोलेगा कि हाँ इस बार दे दो हम लोग क्लियर कर देंगे, रोड बनवा देंगे, इस बार तो हम लोग को जिता दो, अब बार में हम लोग उस पर विश्वास करके हम लोग वोट देंगे और हाँ देगा रोड, फिर वो लोग बोलेंगे घर में बैठ के रहेंगे, फिर हम लोग को यही सब करना पड़ेगा बाद में। और मेरा कहना यही कि रोड दो वोट लो, रोड नहीं मिलेगा हाँ वोट नहीं मिलेगा, रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। गुमापाड़ का ग्रामीण लोगों का यही कहना है कि हम लोगों का सबसे रोड चाहिए और कुछ नहीं, उसके बाद पानी चाहिए, हम लोगों का पानी का व्यवस्था होना चाहिए, ये दोनों नहीं होगा तो हम लोगों का मतलब कहना है कि गुमापाड़ का ग्रामीण लोगों का हम लोगों का कहना है कि रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। रोड बनेगा तो वोट देंगे, रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। यहाँ पे अभी जितने भी लोग है सभी लोग यही आस में है कि हमारे गाँव में किसी तरह सड़क बन जाए, और जो हमारी बहू बेटी है जो डिलीवरी होता है उन लोगों को डिलीवरी के दौरान किसी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े, और जो हम लोग खटिया में लेके जाते हैं वो खटिया में लेके ना जाए, ताकि खटिया में ले जाने के दौरान इन लोगों को बहुत तरह का अनहोनी का सामना करना पड़ता है, कभी कभी डेड भी कर जाते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि हम लोग का चावल जो मिलता है 1.5 किलोमीटर दूर गाँव में चावल मिलता है, हम लोग को माथा में लाना पड़ता है बारिश के समय में, उसमें हम लोग गिर जाते हैं, पैर में चोट लगता है,
पेड़ टूट भी जाता है, मतलब समस्या चारों तरफ से है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मैंने बात करने की कोशिश किया, इन्होंने बताया कि हम लोग जो वोट देते हैं तो उनसे जो नेता मंत्री उनका तकदीर तस्वीर बदल जाता है, लेकिन हम लोग का तकदीर और तस्वीर ज्यों का त्यों रह जाता है। तो आप देख रहे थे जीटीवी भारत न्यूज, कैमरामैन राजीव कुमार के साथ, मैं विकास कुमार साह, धन्यवाद।